किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और एडल्ट फिल्म स्टार मियां खलीफा के ट्वीट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। ग्वालियर पहुंचे मिश्रा ने कहा कि कितने भी खलीफा और उस्ताद आ जाएं, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारत एक मजबूत देश है। कितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, ये लोग आंदोलन को भी बदनाम करना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करने की कोशिश भी की गई थी। कितने भी खलीफे और उस्ताद आ जाएं, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, ये सच है, लेकिन जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटित हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, ये सब निंदनीय कृत्य है। भारत मजबूत था, है और रहेगा। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये सब कांग्रेस करवा रही। एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्थापना की, सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, अब आप रिहाना और क्या मालूम कौन कौन सी अंग्रेजी में गाने वाली लड़कियों से वो किसानों का ट्वीट करा रहे हैं, जिन्हें किसान नहीं मालूम, जिन्हें रबी और खरीफ की फसलों का ज्ञान नहीं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि गेहूं और चना कहाँ उगता है, जैसे राहुल अल्पज्ञानी वैसे ही रिहाना को नहीं मालूम कि देश की फसल और किसान क्या है, अब वो ट्वीट कर रही हैं और उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। ये कांग्रेस की बैंकरप्सी है, ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है, और वो अंग्रेजों से कितने प्रभावित हैं ये इस बात से स्पष्ट होता है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मामले में उल्टा बॉलीवुड की हस्तियों को ही घेरा। शर्मा ने कहा कि इंडियन एक्टर मोदी सरकार की पिछलग्गू सेलिब्रिटी हैं, उनसे दबाव डालकर ट्वीट करवाए जा रहे हैं। के सेलिब्रिटीज जो के पिछलग्गू हैं इस केंद्र की मोदी सरकार के, उनसे दबाव डाल के ट्वीट कराए गए हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अजय देवगन या जितने भी सेलिब्रिटीज से कराए गए, ये दबाव की राजनीति जो केंद्र की है भारतीय जनता पार्टी सरकार की।